क्योंकि भीड़ इतना सारा है, गर्मी का दिन है तो लगेगा ना। डर तो लगता है, लेकिन अब डर रखेंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे, यही तो बात है। तो सरकार रोजगार देगा तो हम लोग को बाहर जाने का क्या जरूरी है? अब देख भाई, डर तो लगता है, हर इंसान के डर है, मेरा हर इंसान का डर है इसमें। कल आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में अभिषेक है। उड़ीसा में हुए बड़े रेल हादसे को लेकर हम मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं और जंक्शन पर जानेंगे लोगों से कि क्या ट्रेन में डर लगता है कि नहीं, जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, यात्रा के बाद आप लोग को डर लगता है कि नहीं? लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि भीड़ इतना सारा है, गर्मी का दिन है तो लगेगा ना। लटक के लोग जाते हैं, प्लस में इतना सारा भीड़ है, इतना गर्मी है, लोग पे लोग चढ़े रहते हैं, तो फिर डर तो लगेगा ना। लगता है। अच्छा, आप लोग लटक के जाते हैं, डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है, क्या किया जाए, अब मजबूरी है। हादसा हो गया, उसके बाद भी आप लोग लटक के जाए? अब मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा सर, क्या करेंगे। तो बिहार में ट्रेनें कम है, बिहार में मतलब इस तरीके से आप लोग को जाना पड़ता है, क्या करें। बिहार में कुछ कमाई नहीं है, तो हम लोग कलकत्ता में जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता। किस लिए जा रहे हैं? काम करने के लिए। जी, डर नहीं लगता है कि हादसा हो जाएगा? डर तो लगता है, लेकिन अब डर रखेंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे, यही तो बात है। समस्तीपुर। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, मगर क्या करें। डर लगता है कि नहीं? हाँ सर, बहुत डर लगता है। जी, कहाँ उतरोगे? नहीं, उतरना नहीं है। डर नहीं लग रहा है सर? क्या करें सर, सर क्या करे। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर। टाइम पकड़ना है, गर्मी के मारे आदमी क्या करेगा, घर पर जाएगा, जाएगा हादसे का हो जाएगा शिकार। तो रेलवे समझे, हम लोग किराया देते हैं, कोई फ्री में तो जाते नहीं है। गाड़ी का व्यवस्था सरकार को बढ़ाना चाहिए, बोगी का व्यवस्था देना चाहिए, या और गाड़ी देना चाहिए टाइम पर, जितना भीड़ नहीं होता। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ इससे, कहाँ जा रहा हूँ, इस ट्रेन तो नहीं जा रहे हैं। इनका सुनाइए, बहुत भीड़ है, बहुत दिक्कत। किसी के यहाँ कोई मर गया, हर गया, तो वो छोड़ देगा क्या? डर मजबूरी, हाँ जाना मजबूरी नहीं तो क्या है। हम मम्मी पापा, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जा रहे हैं लटक के जाने को, क्या डर नहीं लगता? बहुत दिक्कत है पैसेंजरों का, बहुत दिक्कत है, जाना तो पड़ेगा। चार गो मिथिला खुलवाइए। हाँ तब सही रहेगा। हम पालघर जा रहे हैं काम करने के लिए। मजबूरी में जाना पड़ेगा ना, मजबूरी में जाना पड़ेगा, मतलब आते हैं रोज पढ़ने तो जाना पड़ेगा ना। हम लोग तो काम करने जा रहे हैं, यहाँ काम क्यों नहीं करते हैं? यहाँ कहाँ काम है बताइए। कितनी परेशानी होती है? ज्यादा परेशानी है यहाँ, ना कोई कंपनी है, ना फैक्ट्री है, क्या करेंगे आप? हावड़ा जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ काम करने का रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? तो सरकार रोजगार देगा तो हम लोग को बाहर जाने का क्या जरूरी है? परेशानी तो बहुत होती है, अपने डर तो लगता है, अपने घर परिवार से दूर जाकर काम कराना पड़ता है, जाना पड़ता है, डर तो लगता ही है। हावड़ा जा रहे हैं, हावड़ा काम करने के लिए। यहाँ काम क्यों नहीं करते हैं? अभी यहाँ का वहाँ ड्राइवरी करते हैं, वहाँ पर कलकत्ता में, यहाँ पे नहीं करते हैं, वहीं पे शुरू से कर रहे हैं, वहीं पे रहते हैं। यहाँ पर घर परिवार के साथ कर सकते हैं? हाँ, इनसे कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, यहाँ भी ड्राइवरी कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पड़ता है, इतनी परेशानी है। हाँ परेशानी है यहाँ पर, यहाँ पर ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए यहाँ बहुत कम है, यहाँ पर बालू गाड़ी चलाने में हम लोग को जमता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं हम लोग को पोसाता है। परेशानी में जाना पड़ता है, डर लगता है कि नहीं परिवार से? अब देख भाई, डर तो लगता है, हर इंसान के डर है, मेरा हर इंसान का डर है इसमें। काम करने में यहाँ रोजगार ही नहीं है, रोजगार रहते इतना भीड़ में जाते, कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत है। डर लगता है कि नहीं? डर लगता है। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है? रोजगार नहीं मिलता है, घर पर बैठे हैं छः महीने से घर पर। हाँ, रोजगार नहीं है। बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उन्हें दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, लटक के जाना पड़ता है, हादसे का शिकार होने को भी तैयार हैं क्योंकि मजबूरी है। साफ साफ कह रहे हैं, हम हादसे का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ रहेंगे तो कैसे
बाल बच्चे और परिवार को पाल पाएंगे। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ।